आदमी के साथ दूल्हा। कैसी बात कर रहे लला? दूल्हा दूल्हा बनाए दे पूरी ना पापरी भरी कहां रे बहु कर रहा है भाभी मो दूल्हा बनाए दे हम एकदम बिल्कुल देर मन लगा दूल्हा बिल्कुल शादी करिए। हां कहां लड़की नहीं कहां की लला भाभी हैं तो नहीं मालूम बहुत नीकी है। नीकी ओ को है कौन की है? बिना है को जीजा अरे के कुंदन पर के हां उनकी की बहन है रुक्मिणी इकलौती बिटिया है। ओ इतनी तो सुंदर है इतनी तो सुंदर है अगर भाभी कमरा में मम्मी की संपत्ति चली जाए तो कुन्नम बैठाते हो लाइट जराने की जरूरत ना ताई से मार के छेदन आ रहा हूं कुन्नम तुम रुके तो लाइट ही लाइट देते भाभी तू हमते बड़ा वैसे बातें करोगे तो समका देखो जल्दी को काम जल्दी करते हो कर वैसे हमते खूब रोसो कोई दिक्कत नहीं इतना बड़ो पागल है ओ जी बता लला तू जीजा की बहन है। हां हां तेरी को है गई बहन है भाई तू बहन के संग भाभी ऐसी बहन बेटियां देखी जाए तो हम तो रखा रह जाए ना जी ना हम तो शादी करें लला मान जा मान जा शादी करें लला मान जा शादी करें तुझे बता। हां अबे तक बे तुम तो जीजा के तरह तुम बिन तो जीजा कहोगे का तरीका चले हो तुम दो जन आपस में भाभी हैं एक दाए बे कह दे फिर एक दाए हम कह दे एक दाए बे मिठाई को डिब्बा ले आए हमारे घर और जब हम जाए तो मिठाई को डिब्बा हम पकड़े ले जाए देख लो परिचित महाराज जी हाल मेरे भैया मनियो नहीं हम नहीं मने मो केवल तू दूल्हा बनाए दे मो दूल्हा भी बहुत वास है लला हां जा नहीं मने तो ऐसा कर अब अभी अगर समय लगा तो हम बता पो मूड चेंज करें तो पट बनाए दे यार नहीं लला ऐसी बात नहीं मूड चेंज मत करे तो जल्दी बना लला हां तू शादी लायक भाव नहीं रहते अरे हम शादी लायक हो गए को का तो नहीं भाई मने नहीं नहीं मने ब्याह करियो ब्याह करिए करियो ब्याह करी मई से करियो मई से करिए बेनते ही करियो बेनते ही करिए नहीं मने चल बना जल्दी चल भाभी डर के मारे दूल्हा बनाने क्योंकि शिशुपाल बरी हो रहे कोई सो रहे ने अगर मूड घूमेगो तो आखिर जैसे ही क्योंकि अशगुन शुभ कार्य होते हैं तो शुभ दिखाई देते हैं अशगुन कार्य तो अशगुन ही होता है अशगुन पर अशगुन दिखाई दे रहे शीश पर जैसे ही मोहर लगता चीक हो गई पटा पर जैसे ही पाव रोते पटक लग गई और तब तक कोना में एक बिल्ली रण रहे रोए रही और बिल्ली को भाभी ने रोत देखो तो भाभी रण ने बोलिए इतने शब्द सुने क्रोध आ गया बिटिया थी हंसने लगी आज ऐसे बिटिया ने को हंसा देखो जवाब दो ए लड़की भैया
भैया क्या चिल्ला रहे हैं? क्यों हंस रही है? तुम गिर पड़े तो हंस रहे हैं। कुछ तो बात है। ना भैया कछु बात नहीं। कुछ तो बात है। तुम गिर गए? नहीं पटापट रपटे नहीं नहीं। छतरी लोग पता नहीं ऐसे कब कितने कण गिर जाए, तो ये बड़ी बात नहीं है। ऐसा तो नहीं है तुझे कोई हमारे अंदर कमी नजर आ रही हो? नहीं भैया तुम गिर गए। नहीं ताई तो हंस रही बताया जाने का नहीं कहीं भैया चिल्लाइए ना। नहीं चिल्लाइए। एक बात बता, तो चश्मा हो चुका ले, जितनी भाभी है ना जो बगल में करिया करिया बैठी है भैया जने एक आंख में काजल नहीं लगा। भाभी भाभी अल्लाह ए बर काज चिल्ला रहे तेने सबसे बड़ी जय कमी छोड़ गई। अरे काजल नहीं लगाओ तो भाभी जी नहीं मालूम भैया रोनी रोने नजर मार दी ना काजल लगाए थे। अब भाभी बच के गई डर के मैं काजल ले आई बहुआ भैया काजल लाई अपूप के दिन दिखाए लो कट्टा शीशा और कछ सखियां भाभी ने जैसे ही देखा है काजल लगाया भाभी ने काजल लगा तो एक बात याद आएगी भाभी और देवर से बोली लहुआ हमने एक बात सुनी है का सुन लहुआ बिटिया बाप के परना कोई दिया दी हरियर क्षेत्र के किनारे बैठे व्यास नंदन सुखदेव जी समझा करके बोले हे उत्तरानंदन परीक्षित जिस समय भाभी ने बिल्कुल तैयार किया है शिशुपाल को शिशुपाल ने ऐलान कर दिया फौज को जवाब दो भाभी मुझे पता है बिटिया एक है पर दूल्हा दो आएंगे पर लेकिन इनमें भी एक कारण है उपाय है क्योंकि जब रुक्मिणी की जो तारीख दी है उस तारीख से हम 15 दिन पहले ही जा रहे हैं इसीलिए जा रहा हूं अभी तारीख नहीं आई है मैं जा रहा हूं 15 दिन पहले ही रुक्मिणी के संग ब्याह करके पट्टा हम आए जब अब दो बेटा अब खैर तू जान तेरे काम जाने तू कहो की बात मान तो है नहीं जवाब दो चिंता न कर ऐलान कर दिया जो भी मंत्रीगण थे जवाब दिया जितनी फौज है सजाओ फौज सजाई गई है तो मेरे भैया हुआ क्या सही कदम।